Hello friends, foreign exchange में अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट को। एक्सपोर्ट क्रेडिट दो स्टेजेस का क्रेडिट है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट क्रेडिट गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसके उपरांत उनका शिपमेंट करने की स्टेज तक दिया जाता है। शिपमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स को डिस्काउंट करके या परचेज करके पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट किया दिया जाता है। दैट मींस पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कवर करता है शिपमेंट से लेकर फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन के पीरियड को। सो प्री शिपमेंट शिपमेंट की स्टेज तक एंड पोस्ट शिपमेंट शिपमेंट के बाद फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज होने की स्टेज तक। पहले हम बात करेंगे प्री शिपमेंट क्रेडिट की, इसके ऊपर एप्लीकेबल कंडीशंस की। सो प्री शिपमेंट क्रेडिट किस एक्सपोर्टर को दिया जाता है? प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए एक्सपोर्टर के फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला, उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए जो DGFT इश्यू करता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। सेकेंडली, वह ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही उसका नाम कॉशन लिस्ट पर होना चाहिए। तीसरा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होना चाहिए। यह एक्सपोर्ट ऑर्डर एक नॉर्मल कन्फर्म्ड ऑर्डर भी हो सकता है और इट कैन बी सपोर्टेड बाय ए लेटर ऑफ क्रेडिट आल्सो। प्री शिपमेंट क्रेडिट का पीरियड कितना होगा? प्री शिपमेंट क्रेडिट का पीरियड लिंक रहता है विद डेट ऑफ शिपमेंट and it is discretion of the banks. लेकिन प्री शिपमेंट क्रेडिट में क्योंकि बैंक्स कंसेशनल इंटरेस्ट लेते हैं, उस कंसेशनल इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 270 days, 270 दिन मैक्सिमम। प्री शिपमेंट क्रेडिट का अमाउंट, प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया जाता है टू कवर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर अप टू शिपमेंट। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू FOB,
सो प्री शिपमेंट क्रेडिट का अमाउंट का लिंकेज जो है दैट इज विद एफओबी वैल्यू. प्री शिपमेंट क्रेडिट में टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली प्री शिपमेंट क्रेडिट एक डिमांड लोन की फॉर्म में दिया जाता है सो दैट हर एक प्री शिपमेंट क्रेडिट के पीरियड को रेगुलेट किया जा सके. लेकिन अच्छे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर गुड एक्सपोर्टर्स फॉर क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स प्री शिपमेंट क्रेडिट को एक रनिंग अकाउंट की तरह भी दिया जा सकता है जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट जिसमें एक से ज्यादा कंसाइनमेंट्स के लिए डिफरेंट प्री शिपमेंट लोन्स दिए जाएंगे. लेकिन ये देना है क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स को. आरबीआई डायरेक्टिव्स के मुताबिक रनिंग अकाउंट फैसिलिटी सब सप्लायर्स को नहीं दिया जाएगा. प्री शिपमेंट क्रेडिट का एडजस्टमेंट नॉर्मली प्री शिपमेंट क्रेडिट का एडजस्टमेंट पोस्ट शिपमेंट लोन की प्रोसीड से हो जाना चाहिए. लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं होता तो प्री शिपमेंट क्रेडिट का एडजस्टमेंट ईईएफसी अकाउंट के द्वारा भी किया जा सकता है. ईईएफसी यानी एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. अगर दिया गया है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी देन उस अकाउंट में एडजस्टमेंट के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम. यानी रनिंग अकाउंट में सबसे पहली डेबिट एंट्री को सबसे पहली क्रेडिट एंट्री से एडजस्ट किया जाएगा. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. प्री शिपमेंट क्रेडिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्री शिपमेंट क्रेडिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है. इसका सीलिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है. प्रेजेंटली ये सीलिंग है BPLR -2.5%. दिस मीन्स अगर किसी बैंक का BPLR 12.5% है देन मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट वह बैंक 12.5 -2.5 दैट इज 10% चार्ज कर सकता है. गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सपोर्टर्स की हेल्प करने के लिए एडिशनल कंसेशन का भी प्रोविजन किया जाता है. प्रेजेंटली सिलेक्ट एक्सपोर्टर्स के लिए प्री शिपमेंट क्रेडिट BPLR -4.5% चार्ज किया जाएगा. लेकिन इस प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज करते हुए बैंक इस बात को सुनिश्चित करते हैं एक्सपोर्टर से लिए जाने वाला इंटरेस्ट 7% से कम नहीं होना चाहिए. ये कंसेशन जो एडिशनल कंसेशन है देने के कारण
बैंकों के इंटरेस्ट लॉस को गवर्नमेंट मेकअप करती है इन द फॉर्म ऑफ सबवेंशन. सो 2% का ये सबवेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से अवेलेबल है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब हम बात करेंगे वो शिपमेंट क्रेडिट का.